बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 में विज्ञान विषय में भोजन के घटक अध्याय से विटामिन तथा खनिज लवण भाग 3। कक्षा 7 में हिंदी विषय में हम पंछी उन्मुक्त गगन के भाग 3 वे कक्षा 8 में अंग्रेजी विषय में बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। आज के भाग में हम विटामिन और खनिज लवणों की बात करने वाले हैं। खनिज लवण और विटामिन भी हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक पोषक पदार्थ हैं और इन पोषक पदार्थों के कार्यों को भी हमें जानना है। तो बच्चों शुरू करते हैं। विटामिन और खनिज लवणों की जब हम बात करते हैं तो पहला विटामिन जो महत्वपूर्ण है वो कौन सा है? विटामिन ए। विटामिन ए हमारी त्वचा को और हमारी आँखों को स्वस्थ रखता है। आपके शरीर की जो त्वचा है उस त्वचा को और आपकी आँखों को स्वस्थ रखने में ये विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बच्चों विटामिन ए हमें किससे मिलता है? तो आप देख सकते हैं दूध से, मछली के तेल से। ये दूध है, ये मछली का तेल है। उसके अलावा गाजर से, पपीते से, आम से, इन सभी चीज़ों से हमें क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। अगले विटामिन की बात करते हैं, विटामिन बी। विटामिन बी वास्तव में कई सारे विटामिनों का एक समूह है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बच्चों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन के कई सारे समूह सम्मिलित हैं। विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, ये अलग अलग विटामिनों को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सम्मिलित किया जाता है। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमें किन चीज़ों से मिलता है? तो इसके मुख्य स्रोत जो हैं वो हैं दूध, अंडा, मांस, सूखे मेवे आदि। तो ये सभी चीज़ें आपको विटामिन बी प्रदान करती हैं। अगले विटामिन पे चलते हैं बच्चों, विटामिन सी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। हमारे शरीर में जो विभिन्न रोग अलग अलग जीवाणुओं के कारण या कीटाणुओं के कारण हो सकते हैं, उन सभी से लड़ने के लिए विटामिन सी हमारी मदद करता है। तो बच्चों विटामिन सी हमें मिलता है कई सारे फलों से और सब्जियों से। मुख्यतः जो सभी रसीले फल होते हैं जैसे संतरा, मौसमी या आंवला, इन सभी से हमें विटामिन सी की प्राप्ति होती है। आगे चलते हैं बच्चों, विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी सहायता करता है। हमारे शरीर में कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है? तो हमारे हड्डियां, हमारे दांत, इनकी मजबूती के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। और वास्तव में कैल्शियम का उपयोग हम तब सही से कर पाते हैं जब हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। तो बच्चों विटामिन डी के भी मुख्य स्रोत जो हैं वो दूध, अंडे, मांस आदि हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो सूरज की रोशनी है यानी धूप है वो भी विटामिन डी का एक महत्वपूर्ण स्रोत मानी गई है। अब बच्चों हम बात करेंगे खनिज लवणों की। खनिज लवण कई सारे होते हैं लेकिन जो मुख्य खनिज लवण हैं जो आपको जानने हैं वो 4 हैं, आयोडीन, फॉस्फोरस, लोह और कैल्शियम। आयोडीन हमें नमक से प्राप्त होता है। बच्चों आप सभी जानते हैं कि भोजन बनाने के दौरान नमक का उपयोग किया जाता है और इस नमक से हमें क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है। आपने सभी ने देखा होगा, सुना होगा कि आयोडीन युक्त नमक ही हमें वास्तव में अच्छा शरीर प्रदान करता है, रोगों से आपकी जांच करता है, रोगों से आपको लड़ने में सक्षम बनाता है। तो बच्चों आयोडीन वास्तव में एक महत्वपूर्ण खनिज लवण है। उसके बाद फॉस्फोरस जो है वो हमें मुख्यतः केलों और अन्य फलों से प्राप्त होता है।
इसके बाद लोह की बात करते हैं हम, तो लोह भी हमारे शरीर में रक्त की जो पूर्ति है, रक्त को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। और लोह हमें प्राप्त होता है कई सारी चीज़ों से, जैसे चने से, गुड़ से, बैंगन से, इन चीज़ों से हमें लोह की पूर्ति होती है। उसके अलावा कैल्शियम एक महत्वपूर्ण खनिज लवण है, और कैल्शियम हमें किससे मिलता है, दूध से, पनीर से कैल्शियम की पूर्ति होती है। तो बच्चों ध्यान ये रखना है, खनिज लवणों की आवश्यकता हमारे शरीर को कुछ ही मात्रा में यानी थोड़ी ही मात्रा में होती है, और ये सभी खनिज लवण जो हैं हम किसी न किसी रूप में हमारे शरीर में लेते ही हैं। अगली कक्षाओं में बच्चों हम बात करेंगे कुछ ऐसे रोगों की जो हो सकते हैं यदि आप सही मात्रा में सभी पोषक पदार्थों को ग्रहण नहीं करते हैं। तो बच्चों आज हमने सभी विटामिन, जो मुख्य विटामिन है, उनके बारे में चर्चा की। उसके अलावा हमने खनिज लवणों की थोड़ी सी चर्चा की। अगली कक्षा में हम संतुलित आहार की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों आज का अगला पाठ कक्षा 7 में हिंदी विषय में हम पंछी उन्मुक्त गगन के भाग 3। बच्चों पिछले वीडियो में हमने हमारे प्रथम अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को हल किया था। आप उसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए और याद कर लीजिए। हमारा अगला जो है भाषा की बात, वो हम आज देखते हैं। इसका भाषा की बात का पहला प्रश्न है, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरणसी में रेखांकित शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। बच्चों पहले हम विशेषण को समझ लेते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे सुंदर बालिका। अब जो बालिका है उसकी विशेषता क्या है कि वो सुंदर है, तो सुंदर क्या है, उसकी विशेषता है, इसलिए सुंदर शब्द को हम क्या कहेंगे, विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे कहते हैं विशेष्य। यानी हमने किसकी विशेषता बताई, बालिका की, तो बालिका क्या है, विशेष्य। और उसकी जो विशेषता है सुंदर, वो क्या है, सुंदर शब्द है विशेषण। बच्चों विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा सर्वनामिक विशेषण। हमारे अध्याय पहले में जो आया है वो हमारे लिए आया है गुणवाचक विशेषण। तो बच्चों इसकी परिभाषा देखिए, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु के अंदर जो गुण हैं, जो विशेषताएं हैं उसकी, उन सब में ये सब आता है, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद, इन सब का जो बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं गुणवाचक विशेषण। अब इसका उत्तर देखिए, उदाहरण के अंदर आपके 2 उदाहरण दे रखे हैं, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी। ये दोनों हमारे प्रथम अध्याय में आए हैं। स्वर्ण श्रृंखला, इसमें बच्चों गुणवाचक विशेषण जो है वो कौन सा है, इसका गुण क्या है, स्वर्ण। यानी कि जो सोने की जंजीर है वो सोने से बनी हुई है, तो सोने की बनी होना क्या है, उसका गुण है, इसलिए इसमें क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। और दूसरा है लाल किरण सी, इसमें भी गुणवाचक विशेषण है, लाल किरण जैसी। यानी लाल किरण, लाल रंग जो है उस किरण का, वो क्या है, उसकी विशेषता, इसलिए इसमें भी गुणवाचक विशेषण है। हमारी जो पुस्तक है उसके पहले अध्याय में ऐसे कई उदाहरण आए हैं, जिसमें से 3 हमने लिए हैं। पहला देखो, कनक तीलियां। अब इसके अंदर इसका अर्थ होता है सोने की सलाखें। जो सलाखें बच्चों बनी होती है पिंजरे की, वो इसमें किसकी बनी हुई है, सोने की बनी हुई है। तो सलाखों की विशेषता क्या है, सोने की बनी होना, यानी कि सोना क्या है, उसकी विशेषता है।
तो कनक के अंदर क्या होगा? गुणवाचक विशेषण, यानी तिलिया क्या है? विशेष्य है, और उसका विशेषण क्या है? कनक यानी सोना। अगला देखो, कटुक निबोरी, इसका अर्थ होता है बच्चों कड़वी निबोरी। निबोरी जो है उसका गुण क्या है? कड़वापन। तो निबोरी क्या है? विशेष्य है, और इसका गुण क्या है? कड़वापन, यानी वो कड़वी है। तो इसमें क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। अगला देखो बच्चों, तारक अनार, यानी कि तारों जैसे अनार के दाने। अब इसमें पक्षी ने जो तारे थे उनको क्या समझा था? अनार के दाने। तो अनार के दानों की विशेषता क्या है? कि वो तारों जैसे नजर आते हैं। तो तारों जैसे यानी कि ये क्या हो गया? उसका गुण हो गया। तो इसमें भी क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण। आगे देखो बच्चों, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच में लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं, और इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे का, भूखे और प्यासे। तो बच्चों द्वंद्व समास को समझने से पहले हम क्या करेंगे? समास को समझेंगे। तो बच्चों समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, यानी कि जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिल करके एक छोटा या नया रूप बनता है उसे कहते हैं समास। दूसरे शब्दों में यदि ये कहा जाए कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ स्पष्ट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास के बच्चों छह भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास जो हम पढ़ेंगे, और छठा होता है बहुव्रीही समास। तो हमारी जो पहला अध्याय है उसमें आया है द्वंद्व समास। तो बच्चों जैसा कि इस प्रश्न में दे रखा है कि इस तरह के इस प्रकार के आपको 10 अन्य उदाहरण खोज करके लिखने हैं, तो उससे पहले हम क्या करेंगे? इस परिभाषा को समझेंगे। जिस समास में समस्त पद, समस्त पद बच्चों कहते हैं ये जो है भूखे प्यासे, ये समस्त पद है। इस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो या दोनों पद समान हो, यानी कि भूखे शब्द जो है उसका भी उतना ही महत्व है जितना कि प्यासे शब्द का, तो दोनों जो पद हैं वो इसमें समान होते हैं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं, और दोनों पदों को मिलाते समय और अथवा या एवं आदि जो योजक शब्द हैं वो लुप्त हो जाते हैं, तो वहाँ कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। देखो बच्चों इस समस्त पद में दोनों पद जो है इसके प्रधान होते हैं, और अथवा या एवं इन शब्दों का इसमें लोप हो जाता है और उसके स्थान पर योजक चिन्ह लग जाता है। तो उदाहरण देखिए, हमारा जो प्रश्न है उसमें दे रखा था भूखे प्यासे, इसका अर्थ होता है बच्चों भूखे और प्यासे। अब इसमें और जो शब्द है इसका लोप हो गया। अब हमने भूखे प्यासे बोला तब भी हम समझ गए कि इसका मतलब यही है कि भूखे और प्यासे एक तरह से कम शब्दों में हमने क्या किया? अधिक से अधिक अर्थ को समझ लिया। तो द्वंद्व समास में क्या हुआ? दोनों ही पद प्रधान थे, लेकिन बीच में जो और शब्द लगा था वो और जो है उसका लोप हो गया, और भूखे प्यासे द्वंद्व समास बन गया। ऐसे ही 10 उदाहरण और देखिए। रात दिन, रात दिन का अर्थ होता है रात और दिन, लेकिन जब हमने द्वंद्व समास में इसको लिखा तो और जो है इसका लोप हो गया, और हमारे लिए क्या शब्द बन गया? सामासिक शब्द रात दिन। इसी तरह से देश विदेश का, देश और विदेश, इसमें भी और लुप्त हो गया। माता पिता, माता और पिता, यहाँ भी और का लोप हो जाता है। दूध दही, दूध और दही, यहाँ भी और का लोप कर दिया, क्योंकि हम इन शब्दों से समझ पा रहे हैं कि बीच में और है लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। गुण दोष, गुण और दोष, यहाँ भी और लुप्त हो गया। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण जो है इसका भी और हमने
लुप्त कर दिया, यानी कि जब राधा कृष्ण हम एक साथ बोल रहे हैं तो हमारे समझ में आ रहा है कि राधा और कृष्ण दोनों की बात चल रही है, क्योंकि इसमें दोनों पद ही प्रधान हैं। पाप पुण्य, पाप और पुण्य यहाँ भी और लुप्त हो गया। भला बुरा, भला और बुरा यहाँ भी और का लोप कर दिया। रुपया पैसा, रुपया और पैसा यहाँ भी और लुप्त हो गया। आटा दाल, आटा और दाल। अब देखो बच्चों, इन सभी उदाहरणों में और शब्द जो है वो जब द्वंद्व समास में आया तो यहाँ पर और के स्थान पर योजक चिन्ह लग गया। देखो बच्चों, सब में आपको योजक चिन्ह मिलेगा। इस योजक चिन्ह का अर्थ यही है कि रात और दिन, देश और विदेश, माता और पिता, दूध और दही, गुण और दोष, राधा और कृष्ण, पाप और पुण्य, भला और बुरा, रुपया और पैसा, आटा और दाल। तो बच्चों, आज आपने द्वंद्व समास और गुणवाचक विशेषण दोनों को अच्छे से समझ लिया है। अपनी कॉपी में बच्चों इसको उतार लीजिए और इसका दोहरान कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको अगले अध्याय में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद बच्चों। आज का अगला पाठ कक्षा 8 में अंग्रेजी विषय में बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश, और आपको मैं चैप्टर का नाम बताऊं उससे पहले आपको मैं पिक्चर दिखाना चाहूंगी। ये फोटो देखिए बच्चों, ये कौन है? ये है सांता क्लॉज। और सांता क्लॉज क्या लेके आते हैं बच्चों? सांता क्लॉज हमेशा क्रिसमस पर लेकर आते हैं बहुत सुंदर सुंदर तोहफे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है बच्चों, उसका नाम भी यही है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, मतलब संसार में क्रिसमस पर मिला सबसे अच्छा तोहफा। अब ये तोहफा किसको मिला है, आइए आप और मैं मिलकर पता करते हैं। There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. तो बच्चों, संसार के इतिहास में कुछ तारीखें और कुछ समय काल जो है इतना महत्वपूर्ण होता है कि जिसके बारे में हर कोई जानता है और उसे हर कोई याद रखता है। पीरियड्स, यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ बच्चों, पीरियड्स ऑफ, तो ये आपके क्लास वाले पीरियड से मतलब नहीं है कि हिंदी का पीरियड है, इंग्लिश का, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक लंबे समय काल के लिए दिया हुआ है। इस लाइन को हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो हर वर्ष हम क्या मनाते हैं, 15 अगस्त को एज ए इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी एज ए रिपब्लिक डे मनाते हैं, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरीके से ये जो डेट्स हैं बच्चों, ये हमारे इतिहास में इतनी महत्वपूर्ण है कि हमारे जो पूर्वज थे वो भी मनाते आए हैं और हम भी इसको मना रहे हैं। आगे देखिए, द स्टोरी यू विल रीड mentions वन such स्टेट एंड इवेंट। आज जो कहानी आप पढ़ने वाले हैं, स्टोरी मतलब कहानी, आज जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो इसी तरीके की तारीख और इवेंट का जिक्र करती है। कौन सी कहानी बताती है? ए वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। आज की कहानी है बच्चों युद्ध के बारे में, और वो युद्ध हुआ था ब्रिटिश यानी अंग्रेज और जर्मन्स के बीच में। कब हुआ था? 1914 में। Can you guess which war it was? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये युद्ध कौन सा रहा होगा? तो आगे हम कहानी शुरू करते हैं। I spotted it in a junk shop in Bridport a roll top desk। कहानी का जो लेखक है बच्चों, वो बता रहा है कि मैंने एक roll top desk देखी, कहाँ पर? एक junk shop में। और junk shop क्या होती है बच्चों? कबाड़ी की दुकान, जैसा कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। ये रही आपकी junk shop, ये क्या है आपकी junk shop, और junk shop होती है बच्चों कबाड़ी की दुकान। और ये लेखक ने junk shop कहाँ देखी थी? ये देखी थी Bridport में। और Bridport जो है बच्चों इंग्लैंड में एक जगह है, ठीक है? तो वहां उसने देखी एक रोल टॉप डेस्क। और रोल टॉप डेस्क होती है बेटा लपेट सतह वाली एक डेस्क होती है, जो ऊपर से गोलाई लिए हुए आती है और उसमें ड्रावर्स यानी दराज बनी हुई आती है। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century एंड ओक। जो दुकानदार है कबाड़ी की दुकान पर, वो लेखक को बताता है कि ये बहुत पुराने समय की है। कब की है? ये है अर्ली 19th century की, 19वीं शताब्दी की है। और ओक ट्री, ओक ट्री होता है शाहबलूत का पेड़, उससे बनी हुई है। I had wanted one, but they were far too expensive। लेखक इस तरीके की रोल टॉप डेस्क खरीदना चाहता था, लेकिन ये नई जो लेना जाता था वो बहुत एक्सपेंसिव होती थी, यानी बहुत महंगी हुआ करती थी, इसलिए वो नहीं खरीद पाया।
दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन. ये जो रोल टॉप डेस्क उसने देखी थी वो बहुत ही बुरी स्थिति में थी. बैड कंडीशन मतलब उसकी स्थिति बहुत ही बुरी थी. द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वन लैक क्लिम्सली मेंडेड, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड. ये जो रोल टॉप डेस्क बच्चों उसने देखी थी लेखक ने, वो कैसी थी? उसकी एक पैर जो था, यूजुअली टेबल के कितने पैर होते हैं? चार पैर होते हैं हम जानते हैं. तो उसका एक पैर जो था टूटा हुआ था और उसको बड़ी मुश्किल से किसी भी तरीके से जोड़ा हुआ था और उस पर जले हुए के निशान भी बने हुए थे. स्कॉच मार्क्स होते हैं, जलने के बाद जो निशान रह जाते हैं उनको स्कॉच मार्क्स कहा जाता है. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी. अब वो जो थी, आपको पता है जैसा कि लेखक और दुकानदार हमें बता रहे हैं कि रोल टॉप डेस्क क्या थी, बहुत पुरानी थी तो वो बहुत ही सस्ते दामों में मिल रही थी. वेरी लिटिल मनी मतलब बहुत कम दाम में मिलना. आई थॉट आई कुड री स्टोर इट. लेखक क्या सोचता है? लेखक सोचता है कि मुझे इसको खरीद लेना चाहिए और मैं इसको दोबारा ठीक कर लूँगा. री स्टोर होता है बच्चों, किसी भी चीज़ को दोबारा, जो पुरानी चीज़ हो जिसको हम जितना सुधार सकते हैं उसमें उतना सुधार कर लेना. इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट. लेखक कह रहा है कि ये मेरे लिए एक खतरा हो सकता है, यानी एक रिस्क हो सकता है, एक चुनौती हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे ये रोल टॉप डेस्क खरीदनी ही है. अब आप बताइए कि लेखक के लिए रोल टॉप डेस्क को खरीदना एक खतरा या फिर चुनौती कैसे हो सकता है? तो बच्चों इस तरीके से हो सकता है कि जैसा हमने पढ़ा है, रोल टॉप डेस्क कैसी स्थिति में है? बहुत ही बुरी स्थिति में है. तो लेखक के मन में हल्का सा संशय है, यानी एक डर सा है कि ये ठीक होगी या नहीं. इस बात को लेखक लेकर मन में क्या होता है, थोड़ा सा चिंतित रहता है. आई पेड द मैन एंड ब्राउट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज. मैंने दुकानदार को पैसे दिए. क्या कह रहा है लेखक? कि मैंने दुकानदार को पैसे दिए और उस रोल टॉप डेस्क को मैं लेकर घर आ गया और उसको मैंने अपने वर्क रूम में रख दिया. वर्क रूम मतलब जहाँ पे लेखक काम किया करता था. और वो वर्क रूम कहाँ था? वो था गैरेज के पीछे. और गैरेज होता है बच्चों जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी की जाती हैं. जैसे घर में कोई एक अपना जो एक बिल्डिंग होती है, या फिर घर में एक ऐसा स्पेशियस जगह अपन रखते हैं जहाँ पे गाड़ी वगैरह पार्क की जाती है, वो गैरेज हो गया आपका. आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. लेखक बता रहा है कि मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया. बिगेन मतलब शुरू करना, वर्क हो गया काम. कब किया? क्रिसमस इवनिंग पर उसने काम करना शुरू कर दिया. I removed the roll top completely and pulled out the drawers. लेखक बता रहे हैं कि मैंने roll top जो है उसको ऊपर से उतार दिया और उसके जितने भी दराजे थे वो मैंने सारी बाहर निकाल दी. The veneer had lifted almost everywhere. और जो veneer था वो चारों तरफ फैल गया था. Everywhere मतलब चारों तरफ. और वनीर होता है बच्चों फर्नीचर को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए उसके ऊपर लकड़ी या प्लास्टिक की जो पतली परत लगाई जाती है उसको कहा जाता है वनीर. तो लेखक बता रहे हैं कि इट लुक लाइक वाटर डैमेज्ड. मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पानी ने भी उसको खराब कर दिया है. किसको? रोल टॉप डेस्क को. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क. यानी पानी और आग दोनों ने मिलकर उस रोल टॉप डेस्क को खराब कर दिया है. द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट. और जो उसके लास्ट ड्रॉवर है यानी अंतिम दराज है वो बुरी तरीके से अटक गई थी. एक और अपोजिट नोट डाउन करेंगे बच्चों आप. लास्ट मतलब होता है अंतिम और उसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, FIRST फर्स्ट. आप नोट डाउन कीजिएगा. आई ट्राइड. लेखक बता रहे कि मैंने कोशिश की. ट्राइड यानी कोशिश करना. ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली कि मैं इसको बहुत ही सौम्यता से निकाल सकूं. इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स. लेकिन जब वो आराम से नहीं निकली तो अंतिम में मैंने क्या कर दिया, उस पर अपनी पूरी ताकत लगा दी. ब्रूट फोर्स यानी पूरी ताकत लगा देना. आई स्टक शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट. मैंने अपनी मुट्ठी से उस पर क्या किया, जोरदार प्रहार किया, जोरदार चोट मारी. एंड द ड्रॉअर फ्ल्यू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ. और ड्रॉअर जो था वो एकाएक खुल गया और उसमें से एक सीक्रेट ड्रॉअर भी निकल कर आया. देयर वॉज समथिंग इन देयर. और उसमें कुछ था. देखते हैं क्या निकलता उसमें. आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स. मैंने क्या किया, मैंने अपना हाथ उसमें डाला और उसमें से मुझे एक ब्लैक कलर का छोटा सा टिन बॉक्स निकलता हुआ दिखा. स्मॉल यानी छोटा.
और ब्लैक यानी काला, तो दो अपोजिट आपको नोट डाउन करने हैं, स्मॉल यानी छोटा, उसका हो जाएगा BIG बिग यानी बड़ा, और BLACK ब्लैक यानी काला, और WHITE वाइट यानी सफ़ेद। तो आपको ये अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलना है। शेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट इन ए शेकी हैंड राइटिंग। वो जो बॉक्स निकला था बच्चों, उस पर सेलो टेप से एक लाइनदार पर्ची लगाई हुई थी, और उस पर्ची पर कांपती हुई लिखावट में क्या लिखा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर रिसीव January 25, 1915, कि जिम का अंतिम पत्र कब मिला, January 25, 1915 को, रिसीव्ड यानी मिलना। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, मेरे साथ ही दफनाया जाए जब समय आए। तो एक बार ये पिक्चर देखिएगा बच्चों आप, इसमें देखो ये हमारी कहानी का लेखक है, ठीक है, और ये जो है उसके रोल टॉप डेस्क है, और ये जो लास्ट ड्रॉअर है ये जो फंस गई थी लेखक हमें जैसा बता रहे हैं, और ये जो है इसमें ब्लैक कलर का टिन बॉक्स निकल कर बाहर आया है। आगे देखते हैं, आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। लेखक कहते हैं कि मैं ये जानता हूँ कि मैं इस बॉक्स को खोलकर गलत काम कर रहा हूँ, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपल्स, लेकिन जो मेरी जिज्ञासा है वो मेरी नैतिकता पर बहुत ज़्यादा हावी हो गई है। इट यूजअली डज, और अधिकांश जो है ऐसा ही होता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलोप, और उस बॉक्स में से क्या निकलता है, एक एनवेलोप यानी एक लिफाफा निकलता है। इनसाइड द बॉक्स यानी बॉक्स के अंदर, द एड्रेस रीड, जब एड्रेस पढ़ा जाता है लेखक के द्वारा, तो क्या लेखक एड्रेस पढ़ते हैं, मिसेज जिम मैकफर्सन 12 Copper Beaches ब्रिटपोर्ट डोर सेट, ये उस पर पता लिखा हुआ रहता है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट, मैंने उस पत्र को निकाला और उसको अनफोल्ड किया, अनफोल्ड यानी उसको ओपन किया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914, और उस पर क्या तारीख थी, उस पर तारीख थी 26 December 1914। डियरेस्ट कोनी, मेरी प्यारी कौनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, मुझे आपको ये पत्र लिखते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है, बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, कि मेरे साथ आज एक बहुत ही अद्भुत घटना घटित हुई जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। कौन कह रहे हैं, जिम मैकफर्सन अपनी वाइफ कौनी को बता रहे हैं। We were all standing to in our trenches yesterday morning, Christmas morning. हम सब अपने अपने trenches में अपने अपने position लेकर खड़े थे, कब, Christmas morning पर। एक opposite है बच्चों आपका morning, morning यानी सुबह, और opposite क्या हो जाएगा, evening, EVENING, evening यानी शाम। तो आप अपनी copy में note down कीजिए, एक आपका yesterday यानी बीता वकल, इसका हो जाएगा टुमोरो, TOMORROW। तो आपको ये नोट डाउन करते हुए चलना है। तो जिम मैकफर्सन बता रहे हैं कि हम सब अपने अपने ट्रेंचेज में, ट्रेंचेज होते हैं बंकर, अब ट्रेंचेस आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि बच्चों की जो दुश्मन जो सेना होती है उससे अपने आप को बचाने के लिए और उन पर अटैक करने के लिए सोल्जर्स जो होते हैं बड़े बड़े गड्ढों में अपने अपने पोजिशन पर खड़े होते हैं, उनको कहा जाता है ट्रेंचेज या बंकर। तो मिस्टर जिम मैकफर्सन बता रहे हैं कि इट वॉज क्रिस्प ऑल एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कॉल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, कि कौने जो सुबह थी वो बहुत ही कड़क और शांत थी और इतनी सुंदर सुबह थी जितनी सुंदर सुबह मैंने आज तक कभी भी नहीं देखी थी। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल होता है सुंदर, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा UGLY अगली यानी कुरूप। तो आपको ये भी नोट डाउन करते हुए चलना है। तो जिम ने कॉनी को बताया कि मैंने इतनी सुंदर सुबह कभी भी नहीं देखी, और जैसे कि क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए ठंडी और कड़क, वैसी ही सुबह थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, काश मैं आपको ये बता पाता कि हमने शुरुआत की, बिगेन यानी शुरू करना, बट द ट्रुथ, लेकिन सच्चाई ये है, I am ashamed to say is that Fritz began it, मुझे आपको बताते हुए थोड़ी सी शंका या थोड़ी सी शर्म से महसूस हो रही है कि हमने शुरू नहीं किया, किसने शुरू किया, Fritz। ये जो है बच्चों
जर्मन जो सोल्जर्स होते हैं उनके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है फ्रिट्ज, और जो आपके ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उनके लिए यूज़ किया जाएगा टॉमी। फर्स्ट समवन सॉ ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, हम में से किसी एक ने देखा कि हमारे सामने वाली जो ट्रेंचेस थी वहाँ से कोई सफ़ेद कलर का झंडा लहरा रहा था। हम बात कर रहे थे बच्चों ट्रेंचेस की, ये देखिए आप ट्रेंचेस, इनको ट्रेंचेस कहा जाता है और ये अपने शोल्जर्स हैं, ये यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और दुश्मन सेना पे अटैक करने के लिए इस तरीके से इन ट्रेंचेस में रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ट्रेंचेस। तो जिम क्या बता रहे हैं कि हम में से किसी ने देखा कि जो सामने वाले ट्रेंचेस थे वहाँ से कोई वाइट कलर का फ्लैग क्या कर रहा था, वेव कर रहा था, लहरा रहा था। Then they were calling out to us from across no man's land, Happy Christmas Tommy, Happy Christmas। पहले उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने सफ़ेद कलर का झंडा लहराया, इस बार उधर से अपोजिट ट्रेंचेस से क्या आवाज आई कि आपको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो टॉमीज। एक बार टॉमी मैंने आपको भी बताया था जर्मन सोल्जर्स जो होते हैं बच्चों उनके लिए यूज़ किया जाता है फ्रिज, और जो आपके ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उनके लिए यूज़ किया जाएगा टॉमी। When we had got over the surprise, some of us shouted back, same to you, Fritz, same to you। जब हम इस surprise से यानी इस आश्चर्य से बाहर निकले तभी हम में से किसी ने वापस चिल्लाकर कहा कि आपको भी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। I thought that would be that। मैंने सोचा कि अब बात यहीं पे ख़त्म हो गई। We all did, और हम अपनी अपनी पोजिशन लेकर खड़े हो गए। But then suddenly one of them was up there in his grey greatcoat and waving a white flag। लेकिन फिर अचानक से suddenly फिर अचानक से उनमें से कोई एक खड़ा हुआ, किस तरह की यूनिफॉर्म में, ग्रे कलर की यानी स्लेटी कलर का बड़ा सा कोट उसने पहन रखा था, और उसने वो वापस खड़ा हुआ और उसने सफ़ेद कलर का झंडा फिर से लहराया। Don't shoot lads, someone shouted, और उनमें से एक कोई चिल्लाया कि गोली मत चलाना लड़कों, lads होता है boys, and no one did, और किसी ने भी गोली नहीं चलाई। Then there was another fridge up on the parapet and another, फिर पहले तो एक ही खड़ा हुआ था, उसके बाद एक के बाद एक सब वहाँ पर जर्मन सैनिक जो थे वो खड़े होने लग गए। Keep your heads down, I told the men। मैंने अपने सैनिकों से कहा कि अपने अपने सर सब नीचे रखना। It is a trick, but it was not। हो सकता है ये कोई दुश्मन की चाल हो, लेकिन कौनी ऐसा नहीं था। One of the Germans was waving a bottle above his head। पहले बच्चों उन्होंने क्या किया था, पहले उन्होंने सफ़ेद कलर का झंडा लहराया था, इस बार एक जर्मन सोल्जर क्या करता है अपने सर के ऊपर से एक बॉटल वेव कर रहा है यानी लहरा रहा है। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, आज क्या है, आज क्रिसमस है टॉमी। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, हमारे पास कुछ शराब भी है और हमारे पास मसालेदार गोश्त भी है। वी मीट यू, क्या हम मिल सकते हैं, यस वो पूछते हैं कि हाँ हम मिल सकते हैं। By this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them। उन्होंने पूछा क्या हम मिल सकते हैं, तो फिर क्या हुआ, फिर एक के बाद एक जो वो जर्मन सैनिक है वो हमारी तरफ आगे बढ़ते गए, और सबसे ज़्यादा आश्चर्य वाली बात ये थी कि उनके पास एक भी राइफल नहीं थी। राइफल होती है बच्चों बंदूक, और वो बिना किसी हथियार के हमारी तरफ बढ़ते जा रहे थे। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, हम में से जो सबसे पहले खड़ा हुआ वो था मॉरिस, एक नाटेगत का सोल्जर। उसने क्या कहा, कम ऑन बॉयज व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, कि आ जाओ लड़कों हम किसका इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और इतना कहते ही वहाँ पर कोई भी नहीं रुका, मतलब जर्मन सोल्जर्स आगे आते गए और ब्रिटिश सोल्जर्स आगे आते गए। आई वॉज द ऑफिसर, मैं क्या था, अफसर था। कौन बता रहा है, मिस्टर जिम मैकफर्सन कॉनी को कह रहे हैं कि मैं तो अफसर था। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन, मुझे उन लोगों को उसी वक्त रोक देना चाहिए था। आई सपोज, मैं सोचता हूँ, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर टू मी आई शुड, लेकिन इस बात ये बात मुझे सूझी नहीं कि मुझे उनको रोकना चाहिए था।
All along their line and arts, I could see men walking slowly towards one another. मैं देख रहा था कि उनकी तरफ से और हमारी तरफ से सेना क्या हो रही थी, आगे से आगे बढ़ती जा रही थी. ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स, मीटिंग इन द मिडिल. ओ, ग्रे कोट वाले और खाकी कोट वाले आपस में मिल रहे थे. ग्रे कोट, ग्रे कोट बच्चों यहाँ पे यूनिफॉर्म है किसकी? जर्मन सोल्जर्स की. और खाकी कोट जो है वो किसकी यूनिफॉर्म है? वो है ब्रिटिश सोल्जर्स की. जैसे आप लोगों के स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, उसी तरीके से जो आर्मी होती है, आर्मी में जो सोल्जर्स होते हैं उनकी भी एक यूनिफॉर्म होती है. एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं उनमें से एक था. कौन बता रहे हैं? ये बता रहे हैं जिम मैकपर्सन अपनी वाइफ कोनी को. I was part of this, और मैं इन सब का हिस्सा था. Part means हिस्सा. In the middle of the war, we were making peace, और इस युद्ध के बीच में हम सब एक कोशिश कर रहे थे शांति बनाए रखने की. You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the fresh officer. क्या कह रहा है मिस्टर जिम मैकपर्सन? वो कह रहे कि कोनी, आप मेरी भावनाओं का अंदाजा नहीं लगा सकती जब मैंने फ्रिज ऑफिसर की आंखों में देखा. लुक्ड यानी देखा. हु अप्रोच्ड मी, जो मेरी तरफ आगे आए. हैंड आउट स्ट्रेच, और उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया. हैंस वुल्फ, ही सेड, उन्होंने अपना परिचय दिया, उन्होंने अपना नाम बताया. क्या नाम था? हैंस वुल्फ. Gripping my hand warmly and holding it, उन्होंने मेरा हाथ बहुत ही स्नेह से पकड़ा हुआ था. I am from Dusseldorf, I play the cello in the orchestra, उन्होंने बताया कि मैं Dusseldorf से हूँ और मैं orchestra में cello बजाता हूँ. Happy Christmas, आपको Christmas के बहुत बहुत बधाई हो. कौन बता रहा है? ये बता रहा है German officer Hans Wolf. कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड. रिप्लाइड मतलब आंसर देना. तो मैंने भी वापस क्या आंसर दिया? मैंने उनको अपना नाम बताया, कैप्टन जिम मैकपर्सन. एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आपको भी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो. आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, मैं पश्चिमी इंग्लैंड में एक स्कूल में टीचर हूँ. Oh, Dorset, he smiled. वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा, Dorset, I know this place. मैं इस जगह को जानता हूँ. Know मतलब जानना, place मतलब जगह. I know it very well. मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ. We shared my rum ration and his excellent sauces. आगे कोनी को जिम बता रहे हैं कि हमने आपस में एक दूसरे का मसालेदार गोश्त और जो भी शराब थी उसको एक दूसरे में बांटा. And we talked, Connie, how we talked. और कोनी हमने बातें की, हमने कैसे बातें की. He spoke almost perfect English. उन्होंने बहुत अच्छी इंग्लिश बोली. किसने? Hans Wolf ने. But it turned out that he had never set foot in Dorset. लेकिन बाद में उनकी बातों से पता चला कोनी कि वो तो कभी इंग्लैंड गए नहीं, यानी डॉर्सेट वो कभी नहीं आए. Never even been to England. और वो कभी इंग्लैंड भी नहीं गए थे. He had learned all he knew of England from school. उन्होंने जितनी भी बातें इंग्लैंड के बारे में जानी थी वो कहाँ से जानी थी? वो जानी थी स्कूल से. And from reading books in English, और English में किताबें पढ़कर उन्होंने ये सारी बातें जानी थी. His favorite writer was Thomas Hardy, और उनका पसंदीदा लेखक जो था, favorite यानी पसंदीदा, writer हो गया लेखक, कौन था? Thomas Hardy. His favorite book, Far From the Madding Crowd, और उनके favorite book का नाम था Far From the Madding Crowd. So out there in no man's land, we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. और हमने इस तरीके से इन सब के बारे में बातें की. He had a wife and one son born just 6 months ago. फिर उन्होंने अपने परिवार के बारे में भी बातें की. तो Hans Wolf ने बताया कि उनके परिवार में उनकी पत्नी और एक बेटा है जो और 6 महीने पहले ही जिसका जन्म हुआ था. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere. जैसे ही मैंने चारों तरफ देखा कोनी, मुझे किसके झुंड दिखाई दिए? Huddles यानी झुंड. खाकी यूनिफॉर्म और ग्रे यूनिफॉर्म चारों तरफ. मिस्टर जिम मैकपर्सन को चारों तरफ क्या दिख रहे थे? सिर्फ यूनिफॉर्म वाले, खाकी यूनिफॉर्म वाले और ग्रे यूनिफॉर्म वाले.
All over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. और वो सब वहाँ पे क्या कर रहे थे? कोई लोग स्मोक कर रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कोई बातें कर रहे थे, कोई कुछ पी रहे थे और कोई कुछ खा रहे थे. Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake. कौने कौने मैंने और Hans Wolf ने आप वाला जो केक बचा हुआ था वो भी हमने आपस में बांटा. He thought the marzipan was the best he had ever tasted. Hans Wolf क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि marzipan सबसे ज़्यादा बढ़िया और स्वादिष्ट डिश थी जो उन्होंने आज तक खाई थी. यानी उनको मार्जिपन बहुत ही स्वादिष्ट लगा था. आई एग्रीड, मैंने उनकी बात का समर्थन किया. वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी. हम दोनों ने एक दूसरे की हर बात पे सहमति दी. कौनी? जबकि वो मेरे क्या थे? वो मेरे दुश्मन थे, एनिमी थे. एक और अपोजिट आपको नोट डाउन करना है बच्चों. एनिमी होता है शत्रु या दुश्मन और आंसर हो जाएगा फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड यानी मित्र. देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट. कोनी कोनी मेरे जीवन में इतनी अच्छी क्रिसमस की पार्टी कभी भी नहीं हुई होगी. तो बच्चों हमने जान लिया कि मिस्टर जिम मैकफर्सन ने कोनी को बताया कि किस तरीके से Hans Wolf और उनकी सेना ने शांति बनाने की कोशिश की. तो आगे हम जानेंगे कि वो किस तरीके से अपनी कोशिशों में कामयाब हो पाते हैं. बच्चों आज हमने पढ़ा है कक्षा 6 में विज्ञान विषय में भोजन के घटक अध्याय से विटामिन तथा खनिज लवण भाग 3. कक्षा 7 में हिंदी विषय में हम पंछी उन्मुक्त गगन के भाग 3 पे. कक्षा 8 में अंग्रेजी विषय में बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. बच्चों कल हम पढ़ेंगे कक्षा 6 में हिंदी विषय में वसंत एक बुक से 55 भाग 2. कक्षा 7 में अंग्रेजी विषय में द स्क्विरल भाग 2 पे. कक्षा 8 में गणित विषय में परिमेय संख्याएं भाग 3 वे प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण. बच्चों हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर हैं मिशन ज्ञान तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, स्टरलाइट, एड इंडिया फाउंडेशन एवं परमल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है. बच्चों आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें. कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कोई सुझाव आता है या किसी भी तरह की शंका हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और डाक द्वारा भेज सकते हैं. हमारा ईमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021@gmail.com और डाक का एड्रेस है निदेशक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 111 सहेली मार्ग सहेलियों की बाड़ी के सामने उदयपुर 31-30-01.